हाय फ्रेंड्स, आप यूट्यूब पर किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में किसी कमेंट पर रिप्लाई करते होंगे, तो ये देखिए कमेंट फेल टू पोस्ट का एरर नज़र आता होगा आपको। समझ लीजिए इसे हमने रिप्लाई किया और यहाँ पे कमेंट हमारा रिप्लाई यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे बटन रहता है रिप्लाई का, उस पर क्लिक किया। तो जैसे ही रिप्लाई पे क्लिक किया हमने, तो कमेंट फेल टू पोस्ट का ये एरर हमें नज़र आ रहा है। तो इसे कैसे हम फिक्स कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इस समझ लीजिए इस वीडियो पे हम रिप्लाई कर रहे हैं, तो ये रिप्लाई हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहे हैं और रिप्लाई कर रहे हैं, तो कमेंट फेल टू पोस्ट ये नज़र आ रहा है। तो क्या करना है आपको, 5 से 10 सेकंड के लिए वो वीडियो फिर से आपको प्ले करना है, देखना है 5 से 10 सेकंड के लिए। और जैसे ही आप वीडियो 5 से 10 सेकंड के लिए देखेंगे, तो ये कमेंट फिर से आप रिप्लाई कीजिए कमेंट को और रिप्लाई बटन प्रेस कीजिए। वो एरर तुरंत 5 से 10 सेकंड वीडियो आप जब देखते हो उसके बाद हट जाता है। तो ऐसा क्यों ये एरर आ रहा है, क्योंकि यूट्यूब ने, गूगल ने अपने कमेंट सिस्टम में सिक्योरिटी, कमेंट सिस्टम के सिक्योरिटी में कुछ बदलाव किए हैं। तो YouTube पूरी तरह से स्पैमिंग को, स्पैम कमेंट्स को, या फिर कोई बहुत सारे लोग वीडियो बगैर देखे उस पर कमेंट करने लगते हैं, और कोई कोई लोग बार बार, मतलब एक ही वीडियो पे बहुत सारे कमेंट पोस्ट करने लग जाते हैं। तो वो स्पैमिंग से बचाने के लिए उस वीडियो को, या फिर स्पैम कमेंट्स को की रोकथाम करने के लिए यूट्यूब ने, गूगल ने इस सिक्योरिटी अपने सिस्टम में बदलाव किए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आपके इंटरनेट कनेक्शन में, पीसी में या कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो इस वजह से ये कमेंट फेल टू पोस्ट एरर नज़र आता होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये कमेंट फेल टू पोस्ट एरर गूगल की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से ही एक सिक्योरिटी रीज़न स्पैमिंग को रोकथाम करने के लिए ये दिया जा रहा है। तो आप 10 से 5 मिनट के, 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए ये कोई भी वीडियो प्ले कीजिए, उसके बाद में रिप्लाई दीजिए, तुरंत ये एरर हट जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।